आरोही खड़ी हो जा, पड़ी है महारानियों की तरह, कुछ काम हिल्ला भी देख ले घर में। वो मम्मी जी, मेरी ना थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, सुबह से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो अभी आप कर लो काम, जब मेरे को आराम लगेगा तब मैं कर लूंगी। काम की कह दो तो तेरे सर में दर्द होगा, नहीं पड़ी रह रोज आसन पट्टी लियो, चुपकी होगा काम कर ले, यहाँ ड्रामेबाजी मत कर, काम कर ले, समझ गई ना? मम्मी जी मैं ड्रामा नहीं कर रही, सच में मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, आप बस मुझे एक घंटा दे दो, उसके बाद मैं सारा काम कर लूंगी। हे भगवान, यू कितनी जुबान लड़ा रही मेरे से, अगर मुझे पता होता ना तो इतनी काम चोर निकलेगी तो मैं कभी ना बिहाती तुझे इस घर में। मम्मी जी आप कैसी बात कर रहे हो, मैंने आज तक ऐसा किया है क्या? अगर आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो आज आप काम कर लो, या आप मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करने दो, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी मैं वैसे ही काम कर लूंगी सारा। तू ऐसे नहीं मानेगी, या तो तुझे निशांत ने सर पे चढ़ा रखा या तेरी आदत ही खराब हो रही, काम देख के बस मेरे सर में दर्द, मुझे चक्कर आ रहे, मुझे बुखार हो रहा, इतना ड्रामेबाजी लगा रखी तने इस घर में, तू ऐसे मानेगी नहीं? तू रुक जा भी, तुझे अभी बताती हूँ मैं। हे भगवान, पता नहीं मम्मी जी क्या करेंगी, मैं ड्रामा थोड़ी ना कर रही हूँ, आज मेरी तबीयत सच में खराब है, पता नहीं अब क्या करेंगी, कभी नहीं समझती मम्मी मुझे, हमेशा गलत ही समझती हैं। तू यहाँ बैठ के फोन चला रहा, क्या हो गया मम्मी? क्या होता, वो पड़ी सोफे पे, नू मेरे सिर में दर्द है, काम की कह दो तो उसके सिर में दर्द, कभी उसे चक्कर कभी बुखार, इन्हें तो हमारे जन्म दुखी कर लिया। अच्छा ऐसा बोल रही है वो? और क्या, मैंने उसे कही काम कर ले तो मुझसे कह रही मम्मी तुम कर लो काम, बता हम उसे काम करने के लिए लाए या हम करेंगे काम? तुम रुक जाओ मैं देखता हूँ अभी उसे। तू ना समझाया उसे, तूने तो उसे सर पे चढ़ा रखी है। अरे मम्मी मैंने ना चढ़ा रखा उसे सर पे, अगर तुम्हें ऐसे ही लग रहा ना कि मैंने उसे सर पे चढ़ा रखा तो अभी रुक जाओ, अभी उतारता हूँ उसे। हाँ भाई, क्या कह रही है तू मम्मी से कि खुद काम कर लो, जब मम्मी कह रही है काम करने के लिए तो काम कर जाके फिर। यार मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला कि मम्मी अभी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर आराम करके मैं खुद काम कर लूंगी। अच्छा तो मम्मी से काम करवाएगी फिर तू? मैंने मम्मी को तो बोला ही नहीं काम करने की, मैंने तो ये बोला कि मैं आराम करके मैं खुद काम कर लूंगी। जुबान और लड़ा रही है, जुबान लड़ा रही है, जुबान जुबान लड़ा रही है, खड़ी होकर काम कर ले चुप। देख गेट पे कौन है अब। अरे भैया आप। अरे बहन तू रो क्यों रही है? अरे वो मैं भैया प्याज काट रही थी ना, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। झूठ बोल रही है, भाई हूँ तेरा, सब कुछ समझता हूँ। अरे नहीं भैया, आप जैसे समझ रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है। आरोही तेरा चेहरा साफ साफ दिख रहा है कि तुम उससे कुछ छुपा रही है, क्या वो अभी तक नहीं सुधरा? उसे तो मैंने पहले भी समझाया था, वो अभी तक सुधरा नहीं है। नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है। चल अंदर चल, आज देखते हैं उसे। नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है। निशांत तूने मेरी बहन पर फिर हाथ उठाया? हाँ उठाया, बता क्या करेगा तू? निशांत मैंने तुझे पहले भी समझाया था, तू फिर भी नहीं माना, मुझे तेरे ऊपर केस करना पड़ेगा, तू जब ही मानेगा? बहन अब इसके ऊपर केस करना पड़ेगा, ये जब ही सुधरेगा, ये उससे पहले नहीं मानेगा, जब ये जेल जाएगा ना, जब इसके अपने आप समझ में आ जाएगी। नहीं भैया आप ऐसा मत करना, ये मेरे पति हैं और इनके समाज में बहुत इज्जत है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इनकी इज्जत तो कोई आ जाए। बहन ये तुझे इतना मारता पीटता है तू अब भी इसकी साइड ले रही है? कोई बात नहीं भैया, कितने दिन मारेंगे, एक दिन खुद ही सुधर जाएंगे, हैं तो मेरे पति ना, मैं इनकी इज्जत पे कोई आँच नहीं आने दे सकती, आप प्लीज ऐसा कोई काम मत करना जिससे आपकी बहन का सर झुक जाए। निशांत देखा तूने मेरी बहन कितनी अच्छी है, ये आज भी तेरी साइड ले रही है, ये तुझे कितना मानती है।
और तू इसे इतना मारता है, अगर इसकी जगह तेरी बहन होती तो जब भी ऐसा ही करता? आरुई मुझे माफ कर दे, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से तेरे साथ कभी ऐसा नहीं करूंगा। आप माफी मत मांगिए आरुई बेटा, हमें माफ कर दे, हम तेरे साथ आगे से ऐसा नहीं करेंगे। बेटा आगे से मैं तुझे बहुत खुश रखूंगी। हाँ मम्मी, अब से ना हम सब खुशी खुशी रहेंगे।